बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम काविश के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नकवी। और आप बिल्कुल देख रहे हैं, पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा जो है वो मसाइब का शिकार है और दहशतगर्दी के निशाने पर है। जैसे कि आपने देखा कि अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दी की गई और उसके नतीजे में 100 से ज़्यादा मासूम जाने जो है खालकी हकीकी से जा मिली। और इसी तरह की दहशतगर्दी दूसरे ममालिक के साथ साथ शाम, इराक़ और यमन, बहरीन, ये सब जगह तो आप दिखाई दे रही है, और पाकिस्तान में भी इसमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही, और वहाँ पे भी इसी तरह का सिलसिला जारी है। वहाँ पे भी दहशतगर्दी के हवाले से राजा नासिर अब्बास साहब क़िबला जो है तो गुज़िश्ता 73 डेज से जो है वहाँ पे भूख हड़ताल की सूरत में जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से एक ड्रामा रचाया गया, उसके ख़िलाफ़ एहतजाजी धरना जारी है। और सिर्फ एक मसलके तशैयों का मसला नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के मासूम और मजलूम आवाम का मसला है। और उसी मसले के तहत जो है राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं पाकिस्तान में मुसलसल इस अहम मसले पे बैठे हुए हैं। और आपने देखा कि कुछ कल और परसों आपने अपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जनाब क़िबला हसन ज़फ़र नकवी साहब जो है वो भी अलील हुए। और इससे पहले जो पिछला प्रोग्राम हमने किया उसमें राजा साहब ने शिरकत फरमानी थी, और जैसे कि हमने उसमें बताया कि उस्कुर्दू जो है ख़िताब फरमा रहे थे, उसी दौरान उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो जो है उस हमारे उस प्रोग्राम में शिरकत नहीं फरमा पाए। और उसी में फिर हमने नेशनल जो वहाँ पर शिया एक्शन कमेटी है उनके चेयरमैन साहब को उस प्रोग्राम में ज़ाहिर हुसैन जाफरी साहब को लिया और उनसे वहाँ के हालात जाने थे। लेकिन आज फिर हमने कोशिश की कि हम राजा साहब को इस प्रोग्राम में शामिल करें, और जो 22 जुलाई को होने वाला पहियाजाम जो किया गया पूरे पाकिस्तान में उसके हवाले से उनसे आगाही हासिल करेंगे। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में कश्मीर में आप जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया, उसमें हमारा एक तजिया भी था कि उस वक्त जो हमने कहा था कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो है वो वहाँ हारेंगी और मुस्लिम नून एक दफ़ा फिर क्लीन स्वीप करेगी, और उस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ थे, और आप सब ने देखा कि वहाँ जितनी भी सीटें थी उसमें सिर्फ दो दो सीटें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दो जो है तहरीक इंसाफ के पास आई, बाकी नून लीग जो है वो जीत गई। इसके साथ साथ हमने जैसे कि आप जानते हैं कि कश्मीर के हवाले से जो मकबूजा कश्मीर में हालात हैं बहुत संगीन हैं, वहाँ कर्फ्यू का नफाज है, बिजली का मसला है, टेलीफोन सिस्टम का मसला है, वहाँ पे तकरीबन 3,000 से ज़्यादा लोग जो ज़ख्मी हैं, और बर्बरियत जो है इंडियन आर्मी जो है वहाँ पे बर्बरियत फैला रही है। और इसी सिलसिले में हमने पिछली दफ़ा भी रابطہ करने की कोशिश की मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब से, और आज भी किया अली गिलानी साहब से, लेकिन अली गिलानी साहब ने जो चार एक फार्मूला जो दिया है वहाँ की गवर्नमेंट को, चार नकाती एजेंडा जो उन्होंने दिया है उसके हवाले से हम आज इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, और कश्मीर जो जल रहा है उसके हवाले से, क्योंकि आप देखते हैं फ़लस्तीन, कश्मीर और जो इराक़, शाम और बहरीन, यमन के हवाले से साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी ये तमाम हालात, और ये उम्मत मुस्लिमा आपकी आपके सामने ही है कि किस तरह से हालात से गुज़र रही है, और मुसलसल शहादतें जो है वो हम पेश कर रहे हैं, और हमारी पूरी कौम पाकिस्तान के सिर्फ पाक अफवाज जो है वो उनकी शहादतें भी आपके सामने हैं। और ये सिलसिला 80,000 से ज़्यादा लोगों का पे मुश्तमिल है जो शहादतें हासिल कर चुके हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस स्टूडियो में हमारे साथ जो मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके के सदर जनाब मोहसिन बारी साहब, हमारे इस प्रोग्राम में हमारे खसूसी हमने इनसे गुजारिश की और ये हमारे इस प्रोग्राम में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, हम इसमें खुश आमदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया बारी साहब, और हम आपको पहली मुबारकबाद पेश करते हैं कि पहले आप काफ़ी अरसे बाद जो यहाँ पे इलेक्शन हुए और नॉमिनेट हुए, आप यहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मुंतखब हुए, ये मुबारकबाद हमारी तरफ से, हमारी टी वी की जानिब से। और इसके साथ साथ हम जो जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे आपसे भी, और पीपल्स पार्टी के दौर में और आज के दौर में जो फ़र्क है उसके वो भी वजाहत चाहेंगे आपसे, क्या हालात हैं। और उससे पहले मैं वहदत मुस्लिमीन के आलिम दीन नासिर मिल्लत मुजाहिद महजूद इस्लाम मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को इस प्रोग्राम में खुश आमदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, और हमारी तमाम दुआएं आपके साथ हैं, परवरदिगार आपको कामयाबी अता फरमाए। और जिस तरह से आपने पूरे पाकिस्तान के जो मासूम और मज़लूम आवाम के लिए आवाज़ हक बुलंद की, और जिस तरह से आप गुज़िश्ता 73 दिन से ज़्यादा से वहाँ पे भूख हड़ताली कैंप में मौजूद हैं, और जिस तरह से आप मासूम और मज़लूम आवाम की आवाज़ बन रहे हैं, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। और इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 73 दिन के दौरान जो एक के बाद एक जो एहतजाजी सिलसिला जारी रहा,
अभी जो 22 जुलाई को जो एहतजाज किया गया पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम किया गया, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके बाद क्या हुकूमत वक्त जो इस वक्त है उसमें कोई लचक आई या नहीं? देखिए पाकिस्तान जो है जिस सबसे बड़ी मुश्किल का शिकार है, यहाँ पर बाकायदा आईनी हुकूमत नहीं है, आईन के मुताबिक हुकूमतें नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट जो लेवल है हमारे पॉलिटिकल एलीट के हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी है और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर बाकायदा तासुब जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसके नतीजे में डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ज्यादा, हमारी जुडिशरी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाजी सलूक है वगैरह, हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर तमाम इधारों के अंदर बाकायदा एक डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है, जिसकी बुनियाद पर जब फैसले करने वालों के जहन में तासुब हो जी जी और दूसरों को कम समझे, पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों को कमतर शहरी समझे और उनको एक नेगेटिव और नफरत की निगाह से देखे जी, तो यही से मुश्किल पैदा हो जाती है। और जब हमारे इदारे तकफीरियों को जी जी अपना स्ट्रेटेजिक एसेट समझे जी, एक तरफ वो ये कहे कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम तकफीरियों को पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज मुजहरे और काफिर काफिर की रैलियां निकालने की इजाजत दें, तो ये ऐसा कंट्रडिक्शन है जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में मसाइल हल नहीं हो सकते, अमन नहीं आ सकता जी। हमारी ये जो जो है हमें ये तवक्को थी जी जी कि नेशनल इलेक्शन ट्रायल के बाद हजरत के बाद पाकिस्तान में बसने वाले जो मजलूम तबका था जी जो दहशतगर्दों के निशाने पर था उनको रिलीफ मिलेगा, उनके लिए आसानियां पैदा होगी जी जी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जी जी, पॉलिसी यही है कि पहले दहशतगर्द ही नहीं परेशान रखते थे, अब नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमें परेशान रखना है, उन्हें रिलीफ नहीं देना है, उन्हें टर्म करके रखना है जी जी। और खुली छूट जो है यहाँ पर पाकिस्तान में तकफीरी तौर के लिए है जी। और हमारा मुल्क बाद ऐसे ममालिक की स्ट्रेटेजिक डिफ्ट बन गया हुआ है जिनको कमजोर पाकिस्तान चाहिए, जिनको नफरत वाला पाकिस्तान चाहिए, जिनको दहशतगर्दी वाला पाकिस्तान चाहिए जी। और यूं ताकि वो यहाँ पर अपने जो मकरू अजायम है वो मुकम्मल कर सके जी। हम यहाँ बैठे हैं जी जी, और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की जमीन पर सवालिया निशान भी है। आखिर ख्याल है कि जब ये हुक्मरान मिले, मुझे खुद वफाकी वजह दाखिला मिले, उस वफाकी बाल गुजरा मिले और इनकी ब्यूरोक्रेसी के पंजाब की इंतजामिया मिली, इसी तरह से इमरान खान साहब के खुद व तशरीफ रहे और फिर उनके बाद वजीर और फिर उनकी हुकूमत के लोग मिले और पाड़ा चिनार और गिलगित के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के हवाले से जो मसाइल थे, तो ये सब करके आपके मुतालबात ठीक है और बाकायदा इससे में कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारी मुजाकरात हुए, बातचीत हुई, कल भी तो आज भी मुजाकरात हुए, कल भी हुए थे जी जी। जहां था पाड़ा चिनार के साथ जो लोग वहां पर शहीद हुए थे, पावर पैदा हुए थे, वहां गिलगित ने फैसला किया है और जो सब लोगों को कबूल और मंजूर है, लेकिन इस वक्त उस पर अमल सुसरवी से हो रहा है और जो लोग बनु जेल है उनको भीतर भी छोड़ा गया, जल्दी छोड़ देना चाहिए जी जी। इसी तरह से एक्सक्यूटिव का जनाब बुलाकर डीए खान के अंदर आर्मी चीफ साहब ने खुद जाकर मीटिंग बुलाकर कहा कि ऑपरेशन किया जाए, तो बाकायदा पिशावर के अंदर भी अब खैबर पख्तूनख्वा की गुम्मत भी सुनो जो सुस्त रहने का शिकार है फिर निकले जी जी। ये हमारे दोस्त इमरान खान साहब और साथी बाकी सूबों के बारे में बड़ी बातें करते हैं, आज भी उनके टीवी चैनल के ऊपर बात दोस्त बैठे हुए गए थे जी कि सिंध के अंदर जो है वहां एक्सिबिलिटी को जो अपना प्रोसिक्यूट नहीं किया जा रहा, केसेस को फौजी दर्जा नहीं देखा जा रहा, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी पेशावर हमारी मक्तल है, वहां हमारे कई शहीद है, और इसी तरह से बी आई खान के अंदर ब्यूरो के अंदर गई, आज तक खैबर पख्तूनख्वा में जी। और पंजाब तक जहाँ तक ताल्लुक है, हमने भी कहा कि
शोदा में आप भी जब बदलिए में रहेंगे कि शोदे का खतीब पंजाब में नहीं आ सकता एक वेला जब सदने में नहीं आ सकता आपने धारा पर जा फरियाद का के लिए इसको वापस ले लो जी वो आप ये कह रहे हैं कि हम जिले की तबादली खत्म कर देते हैं जी लेकिन शोदे की बंदियां बाकी रखेंगे मजलिस से बात कर मुसलमान जो जिस खतीब को कहेगी कि वो पंजाब में आ सकता है उसको ज्यादा देंगे हम इसको नहीं मानते अब बुनियादी आईनी हुकूक के खिलाफ है जी बिल्कुल आप एक पाकिस्तानी के ऊपर पंजाब में आने पर पाबंदी लगा सकते हैं बेशक इसी तरह से जो हरियाणा है कम अज कम अगर ये दो माह तीन माह का प्रोसेस है तो 45 को पहले आप वापस ले फिर कमेटी बना के उनको लेते रहे इसी तरह से जो बाकी प्रॉब्लम है ये हम ब्यूरोक्रेसी जो बिल्कुल और इंशाल्लाह हम यहाँ बैठे हैं और जब एक मरला भी हमारी मीटिंग हो रही है मुझे शोधा की फैमिली और दूसरे 200 उलमा बुजुर्ग मुझे रिप्लेस करेंगे हमारी जो जारी रहेगी और हम जब तक डिस्क्रिमिनेशन और इस तकफीरी सोच को किसी ने नफरत फैलाई है और बिलखसूस पंजाब के अंदर हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी की हुई है हम इसका रास्ता रोकेंगे और हम अपने हकूक के हवाले से पाकिस्तान को एक इम्तियाजी सुलूक वाला पाकिस्तान नहीं बनने देंगे और इसी तरह से बलोचिस्तान के अंदर जायरीन को यह तकलीफ आ सकते हो इंटर पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर ये तो साफ करें इनकी ड्यूटी है एक और जैसी मुताबात है जी अच्छा इसमें मैं जानना चाहूंगा नेशनल जी मुजाकरात कर रहे हैं लेवल के ऊपर हमारा मुतालबा ये है कि हमें कमेटियां नहीं चाहिए जी अलावा साहब मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो है जो जो आपका दूसरा जो आपने एहतजाज के जो पूरे शिकायत उसमें दी गई हैं जो आपने डिमांड्स की है उसमें एक डिमांड ये भी थी कि जो अस्करी इदारे हैं वो अपना किरदार अदा करें क्या किसी अस्करी इदारे के किसी सरबरा ने आपसे राबता किया इस हवाले से इस नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जी और इसके अलावा मतलब इस धरने के हवाले से उन्होंने आपसे राबता किया कि धरना ख़त्म करने में कोई किरदार अदा कर रही है अस्करी क़यादत आपके हवाले से आपके साथ राम साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी मेरे ख्याल से हमारा रबता मुनक़ता हो गया हम दोबारा अलामा साहब से रबता करते हैं और इस सवाल का जवाब मालूम करते हैं कि अस्करी इदारे जो है नेशनल एक्शन प्लान को जिस तरह से उसको रुसवा किया जा रहा है और उस पर अमल नहीं करने दिया जा रहा और यही हालात हमने हर सूबे में देख रहे हैं जैसे कि अलामा साहब ने बयान फरमाया कि इमरान खान साहब आए वहाँ पर और आने के बाद जो भी उन्होंने एक्शन कमेटियाँ बनाई और जो भी उनके तहफ़ात दूर करने की बात की लेकिन उसके बाद वो उनके जाने के बाद उस पर कोई अमल होता दिखाई नहीं दिया और इस वक्त जो हालात है वही सबसे बड़ा हमारे लिए रोना है कि हुकूमत वक्त जो है इस पर कान नहीं धर रही और इस हवाले से क्योंकि ये किसी एक मसलक और एक मज़हब की बात नहीं है बल्कि तमाम मसालिक और मजहब मज़ाहब की बात है जो लोग शहीद हो रहे हैं बेगुनाह उसके हवाले से नेशनल एक्शन प्लान जो है बेहतरीन जिसको सब जमातों ने उस पर साइन किया उसको एक अहमियत दी और उसके बाद ये कहा गया कि इसके बाद जो है बेहतरीन नतायज जो है बरामद होंगे लेकिन सियासी मुदाखलत की वजह से ऐसा लगता है कि वो अभी तक जो है हालात साजगार दिखाई नहीं दे रहे और इसी हवाले से मैं जानूंगा जनाब मोहसिन बारी साहब आपकी हुकूमत भी रही और आपकी हुकूमत जब थी जरदारी साहब की तो उस वक्त जो है वाकया क्वेटा भी आपने देखा कि वहाँ हुआ लेकिन इस तरह की जो बेहिसी इस वक्त हुकूमत पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या नवाज शरीफ साहब की तरफ से हो रही है उस वक्त वो नहीं देखी गई और वो रबता किया गया क्या कहेंगे इस बारे में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले नकवी साहब थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आपका और आपके टीवी चैनल का जिन्होंने मुझे ये दावत दी आज मैं इसके बारे में सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि वाकई ये जो आप बात कर रहे हैं इस वक्त ये जो हुकूमत है इसकी कोई पॉलिसी वाज़े नहीं बिल्कुल और वाज़े ना नज़र आने की वजह यह है क्योंकि इस वक्त इनका पूरा फोकस जो है जी वो जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर माल जी बनाने की पॉलिसी नज़र आ रही है बिल्कुल और इस वक्त मैं नहीं पूरी दुनिया के अंदर ये एक चर्चा है
बेशक मतलब पनामा लीक्स का एक शोर है जी, पाकिस्तान के अंदर एक करप्शन का एक बहुत बहुत बड़ा शोर चल रहा है, बिल्कुल ऐसे दिन ब दिन कई मिनिस्टरों के स्कैंडल सामने आ रहे हैं जी। हम मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून में ही ऐसे लोग हैं, और पार्टियों में भी हो सकते हैं, बिल्कुल है। लेकिन इस वक्त क्योंकि हुकूमत उनकी है और उन्होंने जो अपना ये रिश्वत का जो बाजार गर्म किया हुआ है उससे उसकी वजह से एक तो पाकिस्तान और इंटरनेशनल हवाले से जो है मुल्क बदनाम हो रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त उनको उनका जो है एहतसाब जो है जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का किया जा रहा है इस तरीके से उनका भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, होनी चाहिए। एक बात, दूसरी बात यह है कि हमें आप ये अभी बात कर रहे थे ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला है जी, ये दहशतगर्दी कुछ अरसे से ये चलती आ रही है जी। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी थी जी उसकी नाकामियों की वजह से ये सूरत हाल हमें देखने को, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक रहती जी, वो हुकूमतें बदलती रहती हैं, फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलती जी। अगर वो एक रहती तो हमारा मुल्क दुनिया में अंदर उसके इकदाम अच्छा होता और बहुत आगे जा चुका होता। इस वजह से कि हमारे मुल्क के अंदर बेशुमार लोगों के इंटरेस्ट जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमारे अंदर जो फिरके भी बनाए जा रहे हैं उनकी फंडिंग भी बाहर से आ रही है जी। अब हम ये चीज़ें कभी हमने नहीं सुना था कि कुशी या सुन्नी का कोई मसला है जी, हमारे घरों में आना जाना पीस, ये कभी चीज़ें थी कोई थी, कभी सोची नहीं थी जी। क्योंकि ये भी कोई है जी। बल्कि जब भी मुहर्रम आता था हम अपने घरों के बाहर जो है सबीले लगाते थे और बड़ा एक देगे चढ़ाते थे वो हमारे, हम उनके मतलब हम सब फैमिली होते थे। लेकिन आप ये सोचने के बाद ये सवाल है कि ये जो ये माहौल यहाँ तक पहुँचा है इसके पीछे कौन सी फोर्सेज ऐसी हैं, ये किन लोगों के इंटरेस्ट हैं जी। फिर मैं जब मैं ये सोचता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की एक वाहिद मुस्लिम कंट्री है जी, जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी शनाख्त बनाई जी, और वो शनाख्त जो है अगर मुस्लिम उम्मा के अंदर नज़र आती है तो वो एक एटमी ताकत है, बेशक बेशक बिल्कुल। वो एटमी ताकत बनाने के बाद हम जो चीज़ कायदे आज़म ने कहा था उसका अमली जामा जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उसको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोहसिन भाई साहब इस पर मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद आपसे इस बारे में जानेंगे, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम मोहसिन भाई साहब से इस हवाले से जानेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो हुकूमतें रहीं इस दौरान गुज़िश्ता ये इन सालों के अंदर, तो इनको देखेंगे कि किसने थोड़ा बेहतर माहौल रखा, उसी हवाले से ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं।